हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सूरज मेडिसन में। मैं हूं आपका दोस्त AK और आप देख रहे हैं सूरज मेडिसन यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिफ्रोक्सिम एक्जेटल टेबलेट IP 500 mg के बारे में। गाइस, इस टेबलेट के क्या यूज हैं, क्या इसकी डोज है और इसके क्या साइड इफेक्ट्स देखने के लिए मिल सकते हैं और मार्केट में इसके क्या ब्रांड नेम है और इसके साथ ही इसमें क्या कंपोजिशन आपको मिलने वाले हैं। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। गाइस, सिफ्रोक्सिम एक्जेटल टैबलेट एक सेकेंड जनरेशन की सिफाइलोक्सिरिन एंटीबायोटिक मेडिसिन है। गाइस, अगर हम इसके ब्रांड नेम की बात करें तो इसका जो सबसे पॉपुलर ब्रांड है वो है सिप्टम टैबलेट, नोवा सेफ टैबलेट, सिफाकाइन टैबलेट, जोसेफ। इसके अलावा मार्केट में और भी इसके बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं। गाइज, ये 250 mg और 500 mg की फॉर्म में आपको मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। इस सभी ब्रांड्स के ऊपर आपको सिफ्रोक्सिम एक्जेटल लिखा हुआ मिल जाएगा। गाइज, अगर हम इसके यूज की बात करें तो गोनोरिया, जो कि एक प्रकार का सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जिसमें पेशेंट की पेशाब में दर्द होता है, जलन होती है या पस आने लगता है। इसके अलावा ये इन्फेक्शन गले, आंखों में भी हो जाता है, रेक्टम में भी हो जाता है, उसमें सिफ्रोक्सिम टेबलेट बहुत अच्छा काम करती है। डॉक्टर इस टेबलेट को प्रिस्क्राइब करते हैं और इसका काफी अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। इसके साथ ही गाइस, हड्डियों में सूजन होना या दर्द रहने पर डॉक्टर इस टैबलेट का इस्तेमाल कराते हैं। स्किन पर कई बार सूजन रहती है, इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, बट उसमें खुजली नहीं रहती है, उसमें डॉक्टर इस मेडिसिन का इस्तेमाल कराते हैं। इसके अलावा टिक बाइट नाम का कीड़ा होता है जिसके काटने से स्किन पर इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे स्किन पर रेडनेस आ जाती है, बट उसमें खुजली नहीं होती है और कुछ देर बाद व्यक्ति को बुखार आने लगता है। साथ ही साथ सिर दर्द होता है, पूरी बॉडी में थकान महसूस होने लगती है, उसमें डॉक्टर इस टेबलेट को प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसका काफी अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। ये पेशेंट को रिलीफ करती है और धीरे धीरे पेशेंट की बीमारी को खत्म कर देती है। इसके साथ ही यदि किसी व्यक्ति में IV इंजेक्शन मतलब नस में या कैनुला लगा है जिससे ड्रिप लगाते हैं, या किसी इंजरी पर टांका लगा है, इन सभी के बाद अगर इन्फेक्शन हो जाता है या पस पड़ जाता है, उन सभी में डॉक्टर इस टेबलेट का इस्तेमाल कराते हैं। और किसी भी प्रकार के ऑपरेशन के बाद अगर उसके टांकों में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें डॉक्टर सिफ्रोक्सिम एक्जेटल टेबलेट का इस्तेमाल कराते हैं। इसके अलावा जब किसी व्यक्ति की आंखों में लेंस लगते हैं तो इन्फेक्शन से बचाने के लिए सिफ्रोक्सिम एक्जेटल टेबलेट का डॉक्टर इस्तेमाल कराते हैं। मिडिल ईयर इन्फेक्शन एक बीमारी है जिसमें कान में से मवाद आने लगता है, जिससे पेशेंट को काफी दर्द रहता है, काफी पेशेंट परेशान रहता है और साथ ही साथ काफी तकलीफ का सामना करना पड़ता है, तो उसे सुखाने के लिए डॉक्टर सिफ्रोक्सिम एक्जेटल टेबलेट का इस्तेमाल कराते हैं, जिससे पेशेंट को काफी रिलीफ मिलता है और पेशेंट धीरे धीरे ठीक हो जाता है। यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करता है, बैक्टीरियल की ग्रोथ को रोकता है और धीरे धीरे बैक्टीरिया करने का काम करता है। ये वायरल इन्फेक्शन को खत्म नहीं करता है। इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में। तो ईच फिल्म कोटेड टैबलेट कंटेंट्स, यानी कि इसकी जो टैबलेट है वो उस पर एक तरह की लेयर चढ़ी हुई है, यानी कि उन पर एक तरह की परत चढ़ी हुई है। सिफ्रोक्सिम एक्जेटल इंडियन फार्माकोपिया गाइडलाइन को फॉलो करते हुए 500 mg की मात्रा में डाला गया है। इसके साथ ही इसके कलर की बात करें तो टाइटेनियम डाई ऑक्साइड इंडियन फार्माकोपिया के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए इसका कलर दिया गया है। अगर हम इसकी डोज की बात करें तो जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं, कभी भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें। आप जब भी किसी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो आपको अपने डॉक्टर की एडवाइस के अनुसार ही मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों डॉक्टर पेशेंट की कंडीशन और उसकी बॉडी वेट को देखते हुए मेडिसिन की एडवाइस करते हैं। डॉक्टर इसकी डोज की एडवाइस पेशेंट के इन्फेक्शन को देखते हुए बताते हैं। अगर दोस्तों हम इसके कोर्स की बात करें तो नॉर्मली जो डॉक्टर इसका कोर्स कराते हैं वो 5 से 20 दिन तक करा सकते हैं। ये पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करता है। और इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं तो डॉक्टर जितने दिन का कोर्स आपको बताते हैं उतने दिन का कोर्स आपको कंप्लीट करना है। अगर डॉक्टर आपको 10 दिन का कोर्स बताते हैं तो आपको 10 दिन इसका कोर्स कंप्लीट करना है, और अगर डॉक्टर इससे ज़्यादा आपको इसका कोर्स बताते हैं तो आपको इसका कोर्स कंप्लीट करना है। क्योंकि दोस्तों अगर आप इस टैबलेट को बीच में छोड़ोगे तो हो सकता है कि इससे आपको फायदे की वजह और ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ जाए। दोस्तों इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो जिस तरह हर मेडिसिन के अपने फायदे होते हैं, उसी तरह हर मेडिसिन
मेडिसिन के अपने कुछ ना कुछ नुकसान भी देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके अगर साइड इफेक्ट्स की बात करें तो उल्टी आना, मतली आना, दस्त आना, पेट दर्द होना, डायरिया होना, इस तरह के साइड इफेक्ट्स देखने के लिए मिल सकते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। अगर इस तरह का कोई भी साइड इफेक्ट्स आपको देखने के लिए मिलता है तो आप तुरंत इसके इस्तेमाल को रोक दें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, जिससे कि आपका फर्दर ट्रीटमेंट हो सके। दोस्तों, इसको कर्नाटका एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ने बनाया है, जो कि बहुत अच्छी कंपनी है, जिसके काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में मिलते हैं। दोस्तों, ये एक शेड्यूल एच प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, जिसका इस्तेमाल आपको डॉक्टर के एडवाइस के अनुसार ही करना चाहिए। अगर हम इसके MRP की बात करें तो ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट सप्लाई मेडिसिन है, जिस पर इसका MRP लिखा हुआ नहीं है। अगर इसकी मैन्युफैक्चर डेट की बात करें तो अक्टूबर 2020 इसकी मैन्युफैक्चर डेट है और इसकी एक्सपायरी डेट है सितंबर 2022, यानी कि सितंबर 2022 तक आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जब भी मेडिकल स्टोर से कोई मेडिसिन खरीदते हैं तो आपको उसकी एक्सपायरी डेट जरूर चेक कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी सिप्रोक्जिम एक्जेटिल टैबलेट IP 500 mg के बारे में जानकारी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। गाइस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं। गाइस, आप देख रहे थे सूरज मेडिसिन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर हम नई नई दवाइयों की जानकारी लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय।